हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो मुझे कमेंट भी किए हैं कि इको को सेकंड हैंड लेना बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इको गाड़ी कैसी है, वैल्यू फॉर मनी रहेगी कि नहीं रहेगी, आई मीन सेकंड हैंड में ज्यादा अच्छा रहेगी या फिर न्यू लेना ज्यादा सही रहेगा, क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आज इसी चीज के बारे में टोटल डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक रिव्यू देना चाहते हैं कि इको कैसी है आप लोगों के लिए, इसको सेकंड हैंड लेने में फायदा है या नुकसान है, इसी चीज के बारे में आज टोटल डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे सामने अभी ये गाड़ी है, ये इको 2022 वाली मॉडल है। 2023 में एक्चुअली 2022 के लास्ट में ही गाड़ी अपडेट हो गई थी, मीन्स फेसलिफ्ट बोल लो या थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ 2023 में लॉन्च की गई है। वो एंड ऑफ द 2022 के जब एंड था, मीन्स नवंबर या दिसंबर में ही लॉन्च कर दी गई थी, बट वो 2023 के नाम से आई है। तो ये जो मॉडल देख रही है, लास्ट 2022 तक यही मॉडल बिक रही थी, और इसके बाद 2023 में एक नया मॉडल को लॉन्च किया गया, नया फीचर्स के साथ कुछ कुछ एडवांस हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 2022 से जो 2023 का जो मॉडल है, उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर चेंजेस हुई है वो इसकी इंजन पे की गई है। क्यों की गई है कि देखिए, इको गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, गाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप इसमें अच्छे खासे लगेज भी कैरी कर सकते हैं, आप 7-8 लोग आराम से इसमें बैठ के जर्नी भी कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट मीन्स अफोर्डेबल 7-सीटर कार भी है, जिसका 5-सीटर और 7-सीटर दोनों वेरियंट में आती है। तो आप इसको बोल सकते हैं सबसे सस्ती 7-सीटर में भी आती है, और ये काफी देखने में अच्छा स्पेसियस है। जैसे आप देख सकते हैं काफी बड़ी चौड़ी है, कैबिन भी इसकी काफी स्पेसियस है, आप इसमें मल्टीपर्पज के प्रॉपर मल्टीपर्पज आप व्हीकल को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था ये इसके एवरेज के था, जो इसमें इंजन जो ये गाड़ी एवरेज मीन्स जो माइलेज जनरेट करती थी वो मैक्सिमम जो कंपनी क्लेम करती है 14 किलोमीटर पर लीटर की थी, बट प्रैक्टिकल ये गाड़ी 10, 11, 12 हार्डली 13 इतने ही तक जाती थी, इससे ज्यादा नहीं जाती थी। तो अभी के टाइम में जो आप इसके कंपेटिटर देख लीजिए, मीन 1200 सीसी के सेगमेंट में जो अदर गाड़ियां है वो 18-20 आराम से इजिली दे सकती है। जैसे इसी की गाड़ियां कुछ मारती डिजायर है या फिर और भी स्विफ्ट वगैरह है, जो भी 1200 सीसी के साथ इंजन के साथ ही आती है, बट उसमें एवरेज आपका 18-20, 22-24 तक ही चला जाती है, बट इसमें एकदम ही कम आती है जो कि 14 का। इसके कारण ही इसका थोड़ा सा जो गाड़ी जो भी लोग लेने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं कि इसका एवरेज बहुत ही डाउन था। तो इसके लिए कंपनी इसमें काफी सारे रिसर्च की, जो इसकी इंजन आती थी पुराने वाली उसको रिप्लेस करके अब इसमें के सीरीज की इंजन डाली है। जो के सीरीज जो K10 वगैरह आप सुने होंगे, अल्टो में जो आती है सीरीज के इंजन या फिर जो स्विफ्ट वगैरह में आती है, सेम वो इंजन है, बट उस टाइप के ही इंजन को इसमें फिर से लॉन्च की गई कंपनी के सीरीज इंजन के नाम है, जिसमें के सीरीज में सबसे ज्यादा माइलेज मारुति की के सीरीज इंजन में ही आती है, इसलिए वो इंजन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये सेम रिवर्स व्हील ड्राइव के साथ ही आती है, तो इसके लिए वही सारा कुछ वही रहेगा, बट इसमें इंजन चेंज किया। और इससे क्या फायदा हुआ कि पहले 72-74 के BHP का मीन्स पावर जनरेट करती थी, अब ये 80 हो गया, तो इसमें पावर फिगर भी बढ़ गया, कुछ टॉर्क भी बढ़ गया, तो मीन्स चलाने में हाँ आपको उतना कुछ खास पता नहीं चलेगा ये गाड़ी और वो गाड़ी चलाने में, बट कहीं ज्यादा रिफाइंड हो गया इंजन, इसमें एक कुछ कुछ नॉइस जो रहेगा वो उसमें नहीं आएगा, काफी रिफाइनमेंट आपको इंजन लगेगा, लगेगा कि आप कुछ महंगी गाड़ी चला रहे जब ये गाड़ी और वो गाड़ी चलाएंगे तो। बट ये गाड़ी भी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, इसमें आप अगर CNG वेरिएंट लगा लेते हैं तो आपका चाहे वो गाड़ी चलाए या ये गाड़ी चलाए सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा माइलेज एवरेज में, उसमें भी CNG का ऑप्शन आता है, इसमें भी CNG में दोनों का एवरेज सेम ही रहेगा, CNG में कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो अगर आप मल्टीपर्पज यूज करना चाहते हैं, मीन्स अगर आपको सेकेंड हैंड में कहीं से भी अगर CNG वाला वेरिएंट मिल गया, अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आपका ट्रैवलिंग ज्यादा रहती है तो आप इजीली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका मीन्स कम है ट्रैवल, बहुत कम यूज करते हैं, और आप लोग कहीं फैमिली ओकेशन पे जाते हैं जहां पे आपका 8-10 लोग के परिवार है, फैमिली मेंबर्स है, तो आप ये गाड़ी सेकेंड हैंड ले सकते हैं, क्योंकि आपका रनिंग कम है, तो अगर आपका 12-14 का भी एवरेज देता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पर डे का रनिंग नहीं है ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो अगर सेकेंड हैंड में अच्छी खासी डील मिल जा रही है तो आप ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नहीं लेने के लिए सोच रहे हैं तो अब बेहतर है कि के सीरीज वाली इंजन ले सकते हैं, उसमें कंपनी ही 20 किलोमीटर का एवरेज का शो करती है, क्लेम करती है, कितना भी खराब होगा तो 17-18 का आपको एवरेज नॉर्मल लोकल रोड में मिल ही जाएगा, ठीक है। बट अगर रह गया बात इसको सेकंड हैंड लेना, तो सेकंड हैंड आप इजिली ले सकते हैं, मैं भी इस गाड़ी को आज करीबन 1.5-2 साल से चला ही रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आज तक मुझे नहीं आई है, कोई भी मेंटेनेंस का ऐसा कुछ खास खर्चा नहीं आई, बट इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स
अभी वाले वेरिएंट में नहीं मिल रही या नहीं पहले वाले वेरिएंट में मिल रही थी। सारा कुछ विंडो जो है मैनुअल रहेगा, सब कुछ मैनुअल है। जैसे आप चाबी देख रहे हैं इसमें कोई सेंटर लॉकिंग भी नहीं आता, आपको एक एक करके बंद करना पड़ता है। हाँ, आफ्टर मार्केट इसमें बहुत सारा आप इसको चेंजेस करा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं रहता। कभी भी आप मान लीजिए सपोज रिमोट से लॉक किए और एक आध गेट अगर खुला रह जाएगा तो आपका अगेन सिक्योरिटी में दिक्कत हो जाएगा, प्राइवेसी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जेन्युइन जो काम जेन्युइन नहीं होती वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आफ्टर मार्केट कराएं, ठीक है। तो ऐसा आप इसको इजीली चला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी बहुत बड़ी है, काफी हैवी लगती है देखने से, आपको छोटी गाड़ी बिल्कुल की अंदाजा नहीं होगा। आप इसके सामने कुछ स्विफ्ट वगैरह को खड़ा करेंगे तो आपको छोटी लगेगी। ये गाड़ी स्पेसियस काफी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है बिल्कुल। आप इसमें चाहे तो छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ सामान कार्गो वगैरह भी लोड करके आप सप्लाई वगैरह कर सकते हैं, या फिर 8-10 लोग अपने फैमिली मेंबर्स को बैठा के आराम से इजिली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये गाड़ी। और ये गाड़ी मैं जब लिया था तो उस वक्त मुझे ये बेसिकली ये 5-सीटर एसी मॉडल है, तो ये मुझे 5 लाख अप्रोक्स 30,000 के आसपास पड़ा। अब ये सेम वही गाड़ी ये मार्केट में अभी का टाइम में एक्स शोरूम में ऑन रोड ही बोल देता हूँ कि 6 लाख समथिंग का पड़ा है। मीन्स अच्छा खासा 80,000 से 90,000 का डिफरेंस हो गया ये 1 से 1.5 साल के अंदर में। तो अगर आप ये सेकंड हैंड लेने जाएंगे तो इजिली जाहिर सी बात है उससे आपको रेट कम ही मिलेगा। अगर 1-2-3 साल पुराना लेंगे तो आपको 4 लाख तक या 3.5 से 4 लाख में इजिली आपको मिल जाएगी अच्छे कंडीशन, 1.5 से 2 साल चला हुआ। अगर उससे ज्यादा चला हुआ रहेगा तो कम ही हो गया ऑब्वियसली, बट अगर आपको 3 से 4 लाख के बीच में अगर ये गाड़ी 1 से 1.5 साल चली हुई मिलती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीएनजी मॉडल मिल गया तो और ही ज्यादा बेहतर है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से आपको एवरेज भी मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलती है, अगर आपका रनिंग कम है तो आप इसको सेकेंड हैंड में भी इजिली ले सकते हैं, आपका पेट्रोल में भी 13-14 का एवरेज आराम से दे सकती है। तो फ्रेंड्स है कि आप बहुत सारी इसमें बोला कि इसका एग्जॉस्ट नॉट स्मॉल, तो मैं इसको गाड़ी को आप चल के स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये गाड़ी साउंड करती है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का मैनुअल है, की है, तो मैं इसको देखिए सेल्फ मारता हूँ। आप सेल्फ में ही स्टार्ट हो जाती है नॉर्मल गाड़ी, आप जैसे कोई बड़ी गाड़ी एसयूवी में चलाएंगे कैसे एक क्रैंक करते हैं, कुछ बड़ी गाड़ी स्टार्ट होती है उस टाइप का आपको फील होगा। छोटी गाड़ी में आपको नॉइज नहीं सुनाएगा, इसमें इंजन का नॉइज आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। जैसे मैं आपको रेस देता हूँ, कुछ एक बड़ी गाड़ी के जैसे आपको नॉइज सुनाई देगा, बट ये ओके आपको इतनी बड़ी गाड़ी में आपको फील भी नहीं होगा। आपको इसका एक साउंड आपको और अच्छा लगेगा जब आप इसको क्रूज करेंगे, गाड़ी को जब आप इसको भगाएंगे तो आपका इसका नॉइज भी आपको बड़ी गाड़ी का जैसा आपको लगेगा, लगेगा नहीं कि आप एक छोटी गाड़ी चला रही, लगेगा कोई आप एसयूवी ही चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आप इसको सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। अगर मेरे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।